जबा शेफ 16 गिराने तक सब झूठ ही झूठ। पाकिस्तान ने एक और सबूत दे दिया। पाकिस्तान भारतीय MiG-21 के मलबे से बरामद मिसाइल सीकर्स हेड और हेड्स पर नस्ब रडार सामने ले आया। चारों रडार्स का महफूज होना मिसाइल फायर ना होने का सबूत है। भारतीय फौज की LOC पर फिर शरंगेजी। फायरिंग से खातून और चार बच्चों समेत 6 शहरी जख्मी। पाक फौज का भरपूर जवाब। कार्रवाई में 5 भारतीय फौजी मारे गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अवामी राबता मुहिम का आगाज कर दिया। जरदारी हाउस नवाब शाह में मुंतखब नुमाइंदों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। साबिक सदर कहते हैं, हम अवाम के और अवाम हमारे साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुखालफीन को जेलों से बचने का तरीका बता दिया। कहते हैं, जेलों से बचना है तो मुल्क का पैसा वापस कर दो। एहतसाब करने के लिए इक्तदार में आया हूं, ब्लैकमेल होने वाला नहीं। मौलाना फजल रहमान इलेक्शन में क्लीन बोल्ड हो गए, अब बारी नहीं आएगी। आम आदमी की क्या बीत रही है, ये बताएं कि बिजली की कीमतें कहां तक पहुंचाई हैं, ये बताएं गैस की कीमतें कहां तक पहुंचाई हैं, ये बताएं कि पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें कहां तक पहुंचाई हैं, ये कारकर्दगी दुनिया को बताएं और फिर कहें कि हमने सही खेल खेला है। और दोनों की अपनी शनाख्त है, दोनों की अपनी शनाख्त है। एक की शनाख्त गोली है, एक की शनाख्त गाली है। MQM की शनाख्त गोली, तहरीक-ए-इंसाफ की शनाख्त गाली है। मौलाना फजल रहमान की इमरान खान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी सबके सामने है, महंगाई आसमां को छूने लगी। शहबाज फैमिली 9 अप्रैल को नैब लाहौर में तलब। शहबाज शरीफ, उनके दो बेटों हमजा सलमान और दीगर मुलजिमान पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सैकड़ों गुना दौलत बनाने का इल्जाम। सलमान शहबाज ने शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में 8500 गुना और हमजा ने 2000% असासे बढ़ाए। शहबाज शरीफ को वालिद से मिलने वाली जायदाद का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। तैयार हो जाओ, बिजली गिरने वाली है। हुकूमत ने आवाम दुश्मन टैरिफ जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में 30 से 40% इजाफा। ऑफ पैक आवर्स में एक यूनिट 9.5 रुपए से बढ़ाकर 14.38 रुपए कर दिया। पैक आवर्स में बिजली 16.63 रुपए के बजाय 20.70 रुपए में मिलेगी। देखें, जिस इस तरह हमारे खसारे जो हैं वो कम होते जाएंगे, तो आप टाइम पीरियड, आपका टाइमलाइन, जो हमें अभी रिस्पॉन्सेज आ रही हैं उससे तो नजर आ रहा है कि आपका एक्सटर्नल फ्रंट जो है वो बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है। टाइमलाइन 1.5 से 2 साल के अंदर हम समझते हैं कि हम इस तक तो 1.5 से 2 साल गुजर जाएंगे। ठीक है, महंगाई के खात्मे में 1.5 से 2 साल लगेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अज़हर ने साफ साफ कह दिया। दिल का बड़ा डॉक्टर दिल का छोटा निकला। खैबर पख्तूनख्वा के लेडी रीडिंग अस्पताल के डॉक्टर जबरान हार्ट सर्जरी की मशीन अपने साथ घर ले गए। ACT मशीन डॉक्टर जबरान ने जाती तौर पर इस्तेमाल में रखवाई थी। डॉक्टर जबरान को इंतजामिया ने सर्जरी से मना किया तो वह बुरा मान गए। जायदाद के लालच में रिश्तों का तकद्दुस पामाल। लाहौर की निश्तर कॉलोनी में मकान के तनाजे ने नया रुख इख्तियार कर लिया। बेटी हिना का वालिदा पर घर हथियाने का इल्जाम। वालिदा ने जाली कागजात बनाकर घर पर कब्जा किया। दो शनाख्ती कार्ड्स बना रखे हैं। डीआईजी खान में दौरे जहालत की याद ताजा। लालची बाप ने 60 साल शख्स को 60,000 में अपनी बेटी फरोख्त कर दी। पुलिस ने लड़की के हवाले समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर। लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बगैर सर्जरी 2 मरीजों के दिल के वाल्व तब्दील। डॉक्टर्स ने नई तकनीक मुतारिफ करवा दी। बरतानिया यूरोपीय यूनियन से कब अलहदा होगा? यूरोपीय यूनियन ने बरतानिया को अनखला के लिए 1 वर्ष की मोहलत देने पर गौर शुरू कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तजवीज आइंदा हफ्ते यूरोपीय यूनियन इजलास में पेश की जाएगी।